अगर आपको लगता है कि केमिस्ट्री एक बोरिंग सब्जेक्ट है तो मैं आज आपको केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा शायरी की जबान में। उम्मीद है इसको वो लोग भी समझेंगे जिन्होंने कभी केमिस्ट्री की किताब नहीं उठाई होगी। तो स्टार्ट लेते हैं पोलर बांड से। तो पोलर बांड कोवेलेंट बांड होता है जो कि इलेक्ट्रॉनों की शराकत से बनता है। दोनों ही एटम एक एक इलेक्ट्रॉन लेकर आते हैं, लेकिन चूंकि क्लोरीन ताकतवर है तो अब जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो क्लोरीन इन इलेक्ट्रॉनों को अपने ज्यादा करीब कर लेता है और ये थोड़ा हाइड्रोजन से दूर हो जाते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन अपना ज्यादातर वक्त क्लोरीन के पास गुजारते हैं, लेकिन कभी कभार ये अपने घर भी आते हैं। तो मुस्तफा तो हसन जैदी कहते हैं, हसन रजा साहब कहते हैं कि आवारगी में हद से गुजर जाना चाहिए, आवारगी में हद से गुजर जाना चाहिए, लेकिन कभी कभार तो गर जाना चाहिए। और जब हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉनों की याद सताती है तो वो क्लोरीन की तरफ देखेगा। हमसे बिछड़ के इन दिनों के सुरंग में है वो, हमसे बिछड़ के इन दिनों के सुरंग में है वो, ये देखने रकीब के गर जाना चाहिए। तो ये था पोलर बांड। अब मैं आपको बताता हूं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का आपने नाम सुना होगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इस रिएक्शन में ऐसा होता है कि एक ताकतवर एटम कमजोर एटम को निकाल कर उसकी जगह ले लेता है। पोटेशियम ताकतवर है, यह सोडियम को निकाल लेता है। अब सोडियम ने बड़ी कुर्बानियां दी थी क्लोरीन के साथ बांड बनाने के लिए। सोडियम ने अपना इलेक्ट्रॉन तक, अपना दिल तक क्लोरीन को दिया था, लेकिन जब पोटेशियम आया तो क्लोरीन ने बांड बना लिया पोटेशियम के साथ। तो सोडियम क्या कहेगा, अपना बना कि जिसके लिए हम उजड़ गए, अपना बना कि जिसके लिए हम उजड़ गए, कल शाम जा रही थी किसी अजनबी के साथ, कल शाम जा रही थी किसी अजनबी के साथ। अब एक है डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट में ऐसा होता है कि दो मुरकबात आपस में रेडिकल का तबादला करते हैं तो ये बनेगा। जो सिल्वर पहले नाइट्रेट के साथ था अब क्लोरीन के पास आएगा, और जो सोडियम पहले क्लोरीन के पास था वो नाइट्रेट के पास आ जाएगा। तो इसको कहते हैं साथियों का तबादला। तो इस तबादले के बाद सिल्वर क्लोरीन से क्या कहेगा, अपने अपने बेवफाओं ने हमें यकजा किया। सोडियम से क्लोरीन ने बेवफाई की, नाइट्रेट से सिल्वर ने की। तो अपने अपने बेवफाओं ने हमें यकजा किया, वरना मैं तेरा नहीं था और तू मेरा ना था। तो ये है डबल डिस्प्लेसमेंट अहमद फराज की जमाने। अब मैं आपको एक और कॉन्सेप्ट देता हूं, वो है एक्टिवेशन एनर्जी का। तो एक्टिवेशन एनर्जी, किसी भी रिएक्शन से पहले मॉलिक्यूलों के पास इतनी एनर्जी होनी चाहिए कि वो रिएक्शन में हिस्सा ले सके। एक्टिवेशन एनर्जी, वो एनर्जी जो मॉलिक्यूलों को एक्टिवेट करती है, उसको रिएक्शन में हिस्सा लेने के लिए तैयार करती है। तो अगर ये मैं एक एनर्जी डायग्राम बनाऊं, ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है। अब प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट से कम है, इसका मतलब है कि हाई एनर्जी से लो पर आएगा रिएक्टेंट। तो बजाहिर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, आसान सा रास्ता मालूम होता है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये रास्ता अलाउड नहीं है। इन मॉलिक्यूलों को रिएक्शन से पहले, इन मॉलिक्यूलों को रिएक्शन से पहले थोड़ी सी एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए। जो थोड़ी सी एक्स्ट्रा एनर्जी है इसको कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। अभी जो एक्टिवेशन एनर्जी है, ये जब इसको मिलेगी तो ये इस रास्ते से चलकर प्रोडक्ट बनाएगा, ये वाला रास्ता अलाउड नहीं है। तो मुस्तफा जैदी कहते हैं कि इन्हीं पत्थरों पे चल के, इन्हीं पत्थरों पे चल के अगर आ सको तो आओ, मेरे घर के रास्ते में कोई कहकशां नहीं है, मेरे घर के रास्ते में कोई कहकशां नहीं है। तो एक कॉन्सेप्ट और आपको देता हूं, वो है ये शेल का या ऑर्बिटल का जो कॉन्सेप्ट है। तो अक्सर स्टूडेंट सवाल करते हैं कि
हाइड्रोजन पे एक ही इलेक्ट्रॉन है, एक ही इलेक्ट्रॉन है, लेकिन शेन हम उसके लिए छह छह सात सात बनाते हैं, ऑर्बिटल हम उसके लिए बहुत सारे बनाते हैं, तो ऐसा क्यों है? तो मैं उन्हें जवाब देता हूँ कि असल में ये तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी पर है कि जितनी ज्यादा एनर्जी दोगे उतना मरकज से दूर जाएगा। जहां पर इलेक्ट्रॉन गुजरे, जहां से इलेक्ट्रॉन गुजरेगा, जहां पे इलेक्ट्रॉन के कदम पड़ेंगे वहां पर ऑर्बिटल बन जाएगा। जहां पर इलेक्ट्रॉन के कदम पड़ेंगे, जहां वो किसी की याद में रात गुजारेगा, तो वो जगह ऑर्बिटल कहलाएगी। सो वो क्या कहते हैं सागर सदीकी साहब के, काटी जहां तसव्वुर जाना में एक शब, काटी जहां तसव्वुर जाना में एक शब, कहते हैं लोग उस जगह बुतखाने बन गए। तो अब ने देखा कि ये केमिस्ट्री इतनी भी मुश्किल नहीं है जितना कि हमने इसको खुद बना लिया है। तो अब एक और छोटा सा कंसेप्ट है, वो है इक्वालिजिया का। इक्वालिजिया का थोड़ा सा आपको आइडिया दूं, इक्वालिजिया एक मिक्सचर है HCl का और HNO3 का। ये जो मिक्सचर है ये सोने को हल करता है, इट डिसॉल्व्स गोल्ड, मतलब इतना ताकतवर अमेजा है कि ये सोने जैसी दांतों को अपने अंदर हल करता है। तो ये दो ताकतवर एसिड को मिलाने से बनता है। तैमूर फराज साहब इक्वालिजिया के बारे में कहते हैं कि गमे दुनिया भी गमे यार में शामिल कर लो, गमे दुनिया भी गमे यार में शामिल कर लो, नशा बढ़ता है शराबे जो शराबों में मिले, नशा बढ़ता है शराबे जो शराबों में मिले, अब के हम बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिले, जिस तरह सूखे हुए फूल किताबों में मिले। तो आपने देखा कि केमिस्ट्री उतनी बोरिंग नहीं है जितना हम इसको समझते हैं। बस कोई अच्छा पढ़ाने वाला होना चाहिए। आप सबका बहुत शुक्रिया।